We are Station City. We are the network. दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल स्टेशन सिटी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। एक घर में दो बाप और बेटे रहते थे। बाप का नाम अतुल मेहरा और बेटे का अरुण मेहरा। बाप 50 के उम्र के थे तो बेटा 22 की उम्र का था। एक दिन की बात है, बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा ये मेरा चश्मा टूट गया है, जरा बनवा के लाएगा। बेटा ने कहा, आज नहीं पापा, कल, आज दोस्तों के साथ बाहर घूमने जा रहा हूँ। बाप ने बोला, चल ठीक है, कल बनवा लेंगे। दूसरे दिन फिर बाप ने अपने बेटे से कहा कि बेटा आज बाहर थोड़ा घूमने चले, पैर में थोड़ा दर्द हो रहा है, थोड़ा वॉक के लिए जाए। बेटा ने कहा, पापा आज नहीं, हाँ कल पक्का, आज मुझे दोस्तों के साथ पार्टी में जाना है, अमीर लोग हैं, बड़े लोग और मेरे बहुत अच्छे दोस्त लोग हैं, तो आज नहीं कल जाएंगे, ठीक है। फिर बाप ने बोला, चल कोई बात नहीं, अगली बार जाएंगे। अगले दिन बाप ने बेटे को बोला, बेटा शाम को तू घर आएगा ना तो थोड़ा सब्जी लेके आना, ठीक है। तब बेटे ने बोला, पापा आप जाके लेके आओ ना, थोड़ा ही तो दूर है, आज दोस्त की प्रमोशन पार्टी है तो मैं उधर जा रहा हूँ, सब्जी लेने जाऊँगा तो लेट हो जाऊँगा, फिर दोस्त लोग बुरा मानेंगे। और बाप ने बोला, चल मैं ही जाता हूँ। और अगले दिन बाप ने बेटे से कहा, बेटा कल से पैर में बहुत दर्द हो रहा है, आज चेकअप करने के लिए जाना था और अभी अपने पास पैसा भी नहीं है, तो तू अपने दोस्त लोग से सिर्फ 5,000 मांग के ले आना, बाद में वापस कर देंगे। बेटा ने कहा, ठीक है पापा, आज मेरे दोस्त लोग से पैसा मांग के लाता हूँ और चेकअप कर लेंगे। और अरुण अपने एक दोस्त के पास पहुँचा और बोला, दोस्त मैं थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, मुझे 5,000 जितना पैसा चाहिए था, तेरे पास हो तो देना। दोस्त ने बोला, सॉरी यार, मैंने कल ही अपने वाइफ के साथ शॉपिंग किया और पूरे पैसा ख़त्म हो गया, पहले ही बताया होता तो मिल सकता था, सॉरी यार। अरुण ने कहा, इट्स ओके। एक दोस्त के पास पैसा नहीं मिला तो अरुण दूसरे दोस्त के पास गया और उससे पैसे के लिए पूछा, दोस्त मैं अभी थोड़ा प्रॉब्लम में हूँ, मुझे 5,000 जितना पैसा चाहिए था, दे सकता है। उस दोस्त ने बोला, माफ़ कर दे दोस्त, मैंने अभी अपना बाइक रिपेयरिंग करवाया हूँ, थोड़ी देर पहले बताना चाहिए था ना, अभी नहीं है। अरुण ने कहा, चल कोई बात नहीं। अरुण तीसरे दोस्त के पास गया और पैसे के लिए बोला, दोस्त मुझे इमरजेंसी 5,000 रुपये चाहिए था, है तो देना, मैं बाद में वापस कर दूंगा। तब दोस्त ने बोला, यार मैंने कल ही एक जैकेट लिया था 5,000 में, ब्लैक में है और बहुत अच्छा है। अरुण ने बोला, चल कोई बात नहीं। अरुण दिन भर अपने दोस्त लोग से पैसे के लिए हेल्प मांगता रहा और सुबह से हेल्प मांगते मांगते रात हो गया, पर एक भी दोस्त ने उसे हेल्प नहीं किया, तो वो दुखी होकर घर आया और तब तक रात के 12 बज चुका था। और अरुण ने अपने पापा से कहा, सॉरी पापा, पैसा नहीं मिला, दोस्त लोग सब ने पैसा खर्च कर चुके हैं, इतने अमीर लोग के सिर्फ 5,000 नहीं होता, सॉरी पापा। तब बाप अपने बेटे को देखकर हल्का सा मुस्कुराया और अपने बेटे का हाथ पकड़ के थोड़ा दूर के एक छोटा सा घर में लेके गया। बाप ने अपने बेटे को दरवाजे के सामने बिठाया और उस घर के दरवाजा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाने के कुछ सेकेंड के बाद अंदर से एक आदमी ने दरवाज़ा खोला और देखा। जैसे देखा उसके बाद उस आदमी ने फिर दरवाज़ा बंद किया और 2-3 मिनट के बाद फिर उस आदमी ने दरवाज़ा खोला, एक हाथ में पैसा, एक हाथ में तलवार। अरुण उस आदमी को देखकर चौंक गया और तब उस आदमी ने बोला, बोल दोस्त, तेरे लिए मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ, पैसे की ज़रूरत है या कोई तेरे को परेशान कर रहा है, उसकी जान ले लूँगा मैं। ये सब कुछ देखने के बाद अतुल अपने बेटे से कहा, बेटा ये होता है दोस्ती, जो रात को 12 बजे आके हेल्प मांगने के बाद भी अपने साथ खड़ा हो जाता है, तेरे वो अमीर दोस्त लोग के जैसा नहीं है जो ज़रूरत पड़ने पे कोई काम नहीं आता। अरुण अपने सर झुका के अपने पापा से बोला, आई एम सॉरी पापा। Subscribe our channel Station City and press the bell icon for more videos.